चलिए दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल एस एफ आर्ट गैलरी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्लास्टिक का जो स्प्राइट का बॉटल होता है उसे किस तरह से वास बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए दोस्तों, प्लास्टिक के इस तरह के दो स्प्राइट के बॉटल ले लीजिए, उसके साथ साथ सीजर स्टैपलर और कटर दोस्तों, इससे हम लोग बना सकते हैं हमारा वास दोस्तों, और इसके साथ साथ पेन भी ले लीजिए। चलिए किस तरह से बनाया जाता मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस तरह से ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करने के बाद उसे कट कीजिए दोस्तों, इस तरह से, यहां से। इसे इस तरह से अच्छा शार्प कट करना है दोस्तों हमें। इस तरह कट करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर हमें कट्स लगाना है, यहाँ पर ये जो लाइन है, लाइन के पास हमें कट्स लगाना है दोस्तों, इस तरह से। दोस्तों इस तरह से पूरे कट्स लगाने के बाद फिर हमें इसे कट करना है। कट करने से पहले यहाँ पर हमें मार्क करना है दोस्तों, इस तरह से, एक हाफ इंच के करीब ऐसा, इस तरह से छोड़ दीजिए। इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों हमें ऑलरेडी मैंने जो कट लगाया है वहां से हमें कट करना है दोस्तों, इस तरह से। इसी तरह से पूरा कट करना है, मैं कट कर आप लोगों को बताता हूँ, देखिए आप लोग किस तरह से दिखता है। इस तरह से दोस्तों हमें पूरा कट करना है, कट करने के बाद फिर इसे
फोल्ड करना है दोस्तों। किस तरह से फोल्ड किया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए। इस तरह से हमें सेट करना है दोस्तों। अगर बीच में एक आध पट्टी अगर कट भी हो गई तो उसे हम लोग प्लास्टर लगा सकते हैं दोस्तों। ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत दिखेगा। इस तरह से हमें यह सेट करना है दोस्तों। सेट करने के बाद फिर इसके ऊपर भी हमें इसी तरह से बॉटल को कट कर लगाना है दोस्तों। किस तरह से लगाना है मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए। ये जो बॉटल है दोस्तों इसे भी सेम यहाँ से हमें कट करना है दोस्तों। कट करना है दोस्तों हमारे कटर के जरिए। इसी तरह से इसे सेम कट करना है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा शार्प है, इसे सेट कर लीजिए दोस्तों। इस तरह से कट करने के बाद फिर यहाँ तक हमें स्ट्रिप्स को कट करना है दोस्तों, ये इस तरह से। देखिए दोस्तों हमारे स्प्राइट के बॉटल को कट करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा दोस्तों। ये दिखने के बाद फिर इसे हमें इसमें
सेट करना है दोस्तों, इस तरह से आहिस्ता और आराम से हमें सेट करना है दोस्तों। इस तरह से इसके अंदर ये सेट होगा दोस्तों। सेट होने के बाद इसे यहाँ पर हमें स्टेपलर से पंच करना है दोस्तों। इस तरह से हमें सेट करना है दोस्तों। ये सेट करने के बाद फिर ये जो भी है इसे इस तरह से फोल्ड कीजिए दोस्तों। ये जो भी दो बाटलों के बीच में जो गैप है उसके अंदर हमें ये सेट करना है दोस्तों, इस तरह से। इसी तरह से पूरा सेट करना है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से पूरा सेट होता है। देखिए दोस्तों, स्प्राइट के बाटल से हम लोग इस तरह से खूबसूरत से खूबसूरत हम लोग वैस बना सकते हैं दोस्तों। आप चाहे तो इसमें फ्लावर्स भी लगा सकते हैं या ऐसे भी इसे रख सकते हैं दोस्तों। दो स्प्राइट के बाटल से हम लोग इस तरह से वैस बना सकते हैं। इसे चाहे तो आप गार्डन में हैंग भी कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या घर में भी अपने डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। देखिए तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। और कमेंट में आप जो भी इंशाल्लाह आपकी डिमांड है, जो भी आप बोलेंगे वो आइटम मैं बनाकर बताने की कोशिश करूंगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल SF आर्ट गैलरी।
ऑलरेडी मैंने कहा है कि ये फ्लावर्स मैं जो टीका पेपर का जो कप होता है दोस्तों उससे बनाया है। ऑलरेडी आप चाहे तो मेरा वीडियो है, वीडियो भी आप देख सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फ्लावर्स लगाने के बाद हमारा वॉइस इस तरह से दिखेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग घर पर ट्राई करेंगे दोस्तों। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल SF आर्ट गैलरी। थैंक यू।